एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने बेड में बैठ के मलका रानी की तरह व्लॉग शुरू कर रही हूँ। बट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो भाई, अब रूटीन के अगर व्लॉग बनाने हैं तो फिर सारे व्लॉग एक्साइटेड नहीं हो सकते, हर व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। रूटीन में कभी कभी इतना ज़्यादा एक्शन ना कुछ खास हो भी नहीं रहा होता, तो रूटीन के अगर ब्लॉग्स चाहिए तो रूटीन में नॉर्मल ही हो रहा होता है। अभी मैं वैसे अपने कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी और आज मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं। आज ये कि बच्चों की, और मुझे तो एक समझ नहीं आती, पहले एक बात कर लूँ, आज बच्चों की फ्राइडे को छुट्टी है, बिलाल ऑफिस गए हुए हैं। बट मेरे ही बच्चे हैं जिनकी अभी तक स्प्रिंग ब्रेक नहीं हुई, बाकी सारे कैनेडा अमेरिका में हो रही है। पता नहीं मेरे बच्चों की कब होगी, एंड ऑफ मार्च, आई डोंट नो व्हाई दे हैव सेलेक्टेड एंड ऑफ मार्च फॉर दैट, बट किया है तो किया है। मैं बेड पे आ गई हूँ, पता नहीं कैसी लग रही हूँ, मैं जाके चिचक तो करूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो अभी ना आज मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। मैं उठी हूँ, मैंने सहरी पे सबको सहरी करा के सो गई थी, बच्चे अभी तक सो रहे हैं, आयमा अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है। और मैं ना कुछ तो मेरा ईद का जोड़ा भी आ गया है, मेरी फ्रेंड जो आई थी मैंने उसी के हाथ उसी के घर ड्रॉप करवा दी थी चीज़ें, और वहीं से वो फिर पिक करके ले आई। और इस दफ़ा मैंने ईद का जो जोड़ा है, बाकी जो जोड़े हैं वो मैंने वालिद साहब के घर ड्रॉप करवाए थे, डिलीवर कराए थे, ड्रॉप क्या करवाए थे, तो वो तो जब आएंगे वो बाद में आएंगे। अभी जो मुझे एक अर्जेंट चाहिए था ईद का, वो आ गया है। अब दिखा के कहूँगी ये तो पिट गया है, भाई पिट गया है जैसा भी है, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगा, मैंने ऑर्डर कर दिया और मैंने पहनना है। तो और भी काफ़ी चीज़ें आई हैं, और आज इफ्तारी है हमारी कम्युनिटी की, कम्युनिटी सेंटर में। आज कम्युनिटी सेंटर में नहीं, आज मेरे ख्याल में किसी रेस्टोरेंट में, हॉलीडे इन वगैरह में, जहाँ उनको जगह मिली। तो इसीलिए आज कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, हम तैयार होंगे, इंजॉय करेंगे, खुश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, ठीक है, परी बनेंगे। लेकिन चलो ये तो बच्चों के हैं, मुझे ना खड़े होकर वीडियो बनानी है, मुझे ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। तो इस एंगल में मैं बुरी लग रही हूँ, लेकिन वीडियो अच्छी आ रही है, लाइटिंग अच्छी पड़ रही है, तो जो कपड़े दिखा सकती हूँ यहाँ से वो दिखा देती हूँ। अच्छा, मैंने ना आयमा के ना मुझे जल्दी से ऑर्डर करने थे, मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा, और मुझे जब जल्दी ऑर्डर करने तो मैं जे डॉट पे चली जाती हूँ। वैसे तो मुझे जे डॉट के ना बहुत ज़्यादा एक ही तरह के कलर्स बनाते हैं, मतलब मस्टर्ड में डाल देते हैं, मेरे भी ज़्यादातर उसी में ही है, मस्टर्ड कलर में ही ज़्यादा हो गए, मस्टर्ड में चले जाते हैं, ग्रीन, मतलब काफ़ी ब्राइट कलर्स में चले जाते हैं। बट इस दफ़ा मैंने दो इतने अच्छे ऑर्डर किए, और एक तो मैंने खूबसूरत किया कि मुझे थोड़ा सा वेलवेट टाइप का चाहिए, वो इस सीट पे नहीं पहनेगी, वो नेक्स्ट सीट पे पहनेगी, क्योंकि नेक्स्ट सीट पे जहाँ हमें जाना है वहाँ सर्दी होगी। तो बट इतने प्यारे लगे ऑर्डर हुए, और जब आए हैं तो इतने खूबसूरत मुझे लगे, जिसे मुझे परफेक्ट मुझे जैसे चाहिए थे, हल्के हल्के से ना, ये चेक करें, ये भी जे डॉट का है, गर्ल्स का, ठीक है, ये चेक करें, खूबसूरत है, ये चेक करें, मैं वर्ड अब मुंह से निकालना छोड़ू, इतने प्यारा इसके ना, इसके कपड़े में हल्की सी गोल्डन है, अब पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, साथ में ये टसल्स लगे हुए हैं, बट कलियों वाला फ्रॉक है, यहां से ना ऊपर अलग है, और ये चेक करें, इसको पीछे करें, ये एम्ब्रॉयडरी चेक करें, कितना खूबसूरत है ये कलर, मतलब मुझे ना थोड़ा इस तरह के कलर चाहिए थे, और मैंने गलती से इसी में ही सेम ही दोनों ड्रेसेस इसी में किए, और मैं बहुत खुश हूं। ये गोल्डन के साथ है, इसका इसका ना नेट का दुपट्टा है, मैं जल्दी जल्दी दिखाऊं, कितना प्यारा है ये, देखे आयमा का, मेरे मुस्लिम बच्चे कैसे लगे, कैसे फजूल के काम तो मुझसे तुम लोग करा लो ना, ठीक है। इतना प्यारा मुझे लगा, इसका ट्राउजर है इसी इसी कलर का ना, और ये बट सो प्रिटी, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा, और मतलब और इसी तरह का मैंने अपनी तरफ से अलग अलग डिजाइन किए थे। मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, मैंने 5 मिनट में ऑर्डर करने थे, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मेरे ऑलमोस्ट सेम ही हो गए, बट कलर्स डिफरेंट हो गए। इट इज इन गोल्डन, और ये जो है ना सिल्वर सिल्वर लेस के साथ है, और यहाँ पे इसकी एम्ब्रॉयडरी इसकी नहीं है, देखे दोनों जो है ना, बट बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। इसकी एम्ब्रॉयडरी नीचे है, इसकी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर है, और ये सिल्वर के साथ है ग्रीन, और इसी तरह इसका ग्रीन नेट का दुपट्टा है, ठीक है, और इसकी ट्राउजर ऐसे कलर की है, बट कितना ही खूबसूरत कपड़ा है ना। अभी ये सब अभी ईद पे इनमें से एक एक पहनेगी, इतना प्यारा स्पेशली ये तो मुझे बहुत ही, दोनों ही बहुत प्यारे लगे। मैं तो ये सेलेक्ट करूंगी आयमा के लिए ईद के लिए, बट आई
थिंक सो शी विल वेयर दिस, उसको पिंक से, लेकिन ये पिंक तो नहीं है, पर्पल है, एक मेरे ख्याल में साइज में थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है, बट बहुत प्यारे हैं भाई, मुझे मेरा तो दिल आ गया। मैं हमेशा सोचती थी थोड़े से ना कलर पे, मैं इसी तरह के ना छोटे छोटे बूटियां और बच्चों की अच्छी लगती है, और ये मैंने बड़ा स्ट्रांग मंगवाया है, विच आई ऑल्सो इन लव विद। ये देखें पठानी वाला ड्रेस जो होता है ना, मुझे बड़े क्यूट लगते हैं बच्चियों वैसे। सो ये वेलवेट का है और कितना मतलब स्ट्रांग, और ये वाकई मतलब ग्रीन के साथ, इसके साथ भी पिंक ये है दुपट्टा नेट का, ये भी बहुत प्यारा है। ये तीनों मैंने जुनेद जे डॉट से उसके मंगवाए, और इसकी भी मेरे ख्याल में ट्राउजर है, इसकी शलवार पे भी शायद एम्ब्रॉयडरी है, चेक कर लेते हैं, मुझे याद तो है नहीं। अच्छा ये लेस लगी हुई है, और इसकी शलवार जो है इट्स अ लहंगा, ओके, इट्स नॉट, इट्स लहंगा या इट्स इट्स लाइक बड़े पांचों वाला, ठीक है, कितने क्यूट है। ये मैं अपने शौक से मंगाती हूँ, मेरी बेटी को कोई शौक नहीं है, मेरी बेटी को कोई फ्रॉक पहनने का शौक नहीं, उसके फ्रॉक्स इतने ज्यादा पड़े हुए हैं, मैं जहां जाती हूँ ले लेती हूँ और वो एक दफा भी नहीं पहनती, लेकिन मेरा दिल भी नहीं करता, मैं क्या करूँ, उसको सिर्फ और सिर्फ पैंट्स और ट्राउजर्स और टाइट्स और शर्ट्स, जिस तरह का उसका कैजुअल स्टाइल है, बट मैं अपने शौक से मंगा लेती हूँ, मैं कहती चलो कोई नहीं ईद पे तो पहन ही लेगी, ठीक है। अभी मैं ये रख लेती हूँ क्योंकि तुम लोगों को जो मेरा ईद का ड्रेस है ना वो दिखा देती हूँ। जेंट्स के मैंने मंगवा लिए बिलाल, ये तो स्कार्फ थे, अब पता नहीं स्कार्फ आजकल इतने ज़्यादा इन थे वो, लेकिन वही वाली बात है, लिखा हुआ है, अगर भी मत समझ लेना, तुम लोगों को पता पता नहीं है, शेर व शायरी लिखी है, बट मेरा ईद का जो ड्रेस है ना बारोक का, काफ़ी फेमस आर्टिकल मैंने मंगवाया था, मुझे पसंद भी यही था, I am in love with this dress. इसके कलर्स और इसकी स्टिचिंग, ये दो डिजाइन में था, मैंने कलियों वाला मंगवाया है जिसमें कलियां थी, ये पीछे भी कली है, this is back, just imagine how pretty it is, और इसके कलर्स they are so gorgeous, ये मेरा ईद ड्रेस है, oh my god, पता नहीं मैं तुम लोगों को दूर से नजर आ भी रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी, बट ये है ड्रेस, ठीक है, ओ माय गॉड, इसके नीचे टसल्स वगैरह लगे हुए हैं, कोई टसल्स उतर ना जाए, इसको मुझे प्रॉपर ना वो करना चाहिए, पैक करना चाहिए, पता है, अलबत्ता इसकी ना ये इस वाले कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फैब्रिक इतना मजे का नहीं लगाया जो कि इनको लगाना चाहिए था, ठीक है, ये अच्छा है, ये वाला जो है ना थोड़ा सा शिफॉन जो है महंगा पड़ा है, ये मुझे सूट मैंने स्टिच्ड मंगवाया है, मुझे पड़ा है 44,000 का, ठीक है, ये इसका ट्राउजर है, इसका ट्राउजर इस वाले में थोड़ा सा खुला नहीं था, इन्होंने मुझे टाइट वाला क्यों दिया है, या दूसरे वाले में खुला था, इसको खुला होना चाहिए था, है ना, इनकी ट्राउजर्स की कभी भी क्वालिटी इतनी मजे की नहीं होती, बट दिस इज पहन लेंगे भाई, अब क्या करें, ठीक है, इसका जो दुपट्टा है ना दैट इज द रियल थिंग, ये टसल्स चेक करें, ये नजर आ रहे हैं आपको, ओ माय गॉड हाउ प्रिटी दिस दुपट्टा इज यार, चेक दिस दुपट्टा, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लो जी साड़ी दुल्हन बन, हम दुल्हन बन जाते हैं, ये मेरा ईद ड्रेस है, पता नहीं मैं नज़र आ भी रही हूँ कि नहीं आ रही, मुझे बैठ जाना चाहिए था ना उसके ऊपर, चलो मैं कैमरा खोल के दिखाती हूँ, दिस दुपट्टा इज सो प्रिटी, मैं आपको बता नहीं सकती इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना हसीन, कितना हसीन है, ठीक है, व्लॉग बना रही हूँ, पीछे H&M's की सेल आ रही है, स्प्रिंग लुक्स आर अप टू 50% ऑफ, लेकिन अभी तो भाई इसको मैं देख लूँ, हाउ प्रिटी दिस सूट इज, हाँ ये ईद पे पहनेंगे, जो अभी हमने काम करना है ना अभी इफ्तारी के लिए सेलेक्ट करना है, वो सूट नहीं दिखा रही, बाकी सारे गन दिखा रही हूँ, ठीक है, चलो जी ये गन पड़ा, यहाँ से वैसे क्लियर ज़्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से ना ब्राइट रोशनी नहीं आती, ठीक है, पहला तो ये लास्ट ईयर मैंने ऑर्डर किया था सोबिया नज़ीर का लॉन का प्रिंट,
मैं तो सोचा था बहुत ही हसीन होगा, या तो स्टिच होके अच्छा नहीं लग रहा, लगा से इतनी मोटी मैं हो गई हूँ क्या, बुरा नहीं लगेगा। वैसे ये भी पहना जा सकता है आज के दिन ना, सोबिया नजीर का लॉन्च। बीच में मैं व्लॉग बनाती रही, सारा कुछ खत्म हो गया, वो सोबिया नजीर का पीछे चला गया। तीन ही सूट दिखाए थे मैंने आपको, कट गया। शर्ट दिखाई थी उसका दुपट्टा अच्छा है, ये मैं आज मेरे ख्याल में पहनूँ, दिस विल लुक बेटर। ठीक है, ये आज पहनती हूँ, आगे फिर इफ्तार पे जो है आई विल सी, आई विल वेयर दिस वन। ये भी बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है इनको थोड़ा सा ना धोना पड़ेगा, इनमें स्मेल है, मुझे पानी से निकालना चाहिए इनको थोड़ा सा ना। दिस इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगता है ना, ये वाला। इसके नीचे हैवी फ्लपर्स हैं, फ्लेयर है। और ये जो है मैंने बड़ा खूबसूरत मंगाया था, लेकिन सेम डिज़ाइनर ने स्मॉल की फिटिंग कुछ ज़्यादा ही कर दी, एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल में बना दिया है, पर ये भी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा ना इसको खुला रखना चाहिए था, यहाँ तक है थोड़ा सा, मुझे लगता है टाइट होगा। ये इसका दुपट्टा है, ये इसका ट्राउजर है, एक मेरी फ्रेंड ने भी मुझे दिया था लास्ट ईयर। यार मेरे कपड़े सारे पड़े हुए हैं, मैंने पहने ही नहीं, वो कहाँ है, वो भी पहना जा सकता है, वो करिश्मा का है, वो भी मैंने नहीं पहना हुआ, बहुत प्यारा है, आई जस्ट लव दिस सूट, ओह वाओ, दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। क्योंकि इधर ज़्यादातर फ्लोरिडा में होती है गर्मी, तो लास्ट ईयर मैंने ज़्यादा सिल्क वगैरह के मंगवाए थे, इस दफ़ा मैंने सारे लास्ट ईयर इसी के मुताबिक ना मैंने ना, कितना प्यारा है ये भी, वैसे आज पहना जा सकता है। ये दोनों मस्टर्ड है और इसका दुपट्टा भी मस्टर्ड है। नाउ दिस इज ट्राउजर, हाउ प्रिटी दिस ट्राउजर इज, ये भी पहना जा सकता है। मैंने सोचा नहीं है कि मैं कौन सा पहनती हूँ, मैं पहन के अपने आप को ना फिर देखती हूँ, वो आपको नहीं दिखाऊंगी, एक तो आप आज देख ही लेंगे ना सारे, तो देख लें, और भी हैं कुर्ते शुरते हैं, अब पहले इनको निकालूंगी फिर, क्योंकि अभी यही पहन लूँ। एक मेरा बड़ा खूबसूरत सूट है, वो भी चिकनकारी का मैंने मंगवाया था, वो मैंने एक दो दफ़ा पहना है, एक दफ़ा पहना है मेरे ख्याल में, फ्रेंड का डिनर किया था, मैं ख्याल में वीडियो भी बनाई थी शायद, इट्स सच अ प्रिटी ड्रेस, वो भी पहनूंगी। तो चले सारा व्लॉग इसी में, तो कपड़े दिखाने में तो नहीं खत्म करना ना, तैयार होना है और भी काम करने हैं आज, वैसे मैंने कुछ करना नहीं है, रिलैक्स ही करना है, इनको पैक करती हूँ, देखती हूँ। तो मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, नसी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कैमरास पकड़ते कैसे इनके ड्रेस नजर आए, बट ये है। कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा लग रहा है, आई जस्ट लविंग द कलर, बहुत ही ग्रेसफुल ड्रेस है। बस इयररिंग का मुझे थोड़ा सा हुआ था, फिर मैंने ये मुझे मैचिंग नज़र आए, अब नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, नहीं नज़र आ रहे, एक मिनट ये वाला, तो मैंने कहा चलो इसको पहनते हैं, पीछे करते हैं, आयमा को तैयार करूँ। आयमा का भी इसी कलर का शलवार कमीज है जो कि आयमा पहन नहीं चाह रही, और मैं ज़बरदस्ती उसको पहनाना चाह रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है यार, और कहाँ पहनने हैं हमने शलवार कमीज, यहीं पहन ले तो अच्छी बात है। चलो मैं बस आयमा को तैयार करती हूँ और चलते हैं। ये हमारी बेटी भी हमारी तरह तैयार हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, वाह। आज इधर आओ मम्मा के साथ, मिनी मी चेक करिए, ये री मिनी मी, ये री मेरी मिनी मी। Bro, if I was a baby, I guess you would call me that. मेरा बच्चा आ गया, आओ दिखाओ, सेम एग्जैक्टली सेम मामा वाला कलर, ये हुई ना बात, अब आई एम एक्साइटेड है, क्या बात है, वाड़े वाह, मैंने हील उतार दिए भाई, लाइन में खाना मिलना है, लाइन में खाने के लिए मैं हील नहीं पहन सकती, मेरे तो पाँव ही, मुझे तो हील पहनने की आदत ही खत्म हो गई। पहले मैंने खुस्सा पहना येलो कलर का,
बट वो फिर ये येलो कुछ मस्टर्ड ज्यादा ही हो रहा था, ऐसा लगता था मस्टर्ड में हलीम में मतलब पक के निकल रही है। फिर मैंने कहा भाई इसको उतारो, कोल्हापुरी चढ़ाओ, कोल्हापुरी। It has sparkles to it. सही है, ठीक है। And guys, don't forget to like and subscribe and hit the bell button. Yeah. चेक करें हम दोनों ट्विनी ट्विनी कैसे लग रहे हैं मां। Make the clips. नहीं, clips are looking nice. आपको कुछ खाया नहीं है? कुछ खा लो। चले भाई। चले जी, हम तैयार हो गए, हम जा रहे हैं इफ्तारी पे। मेरी बेटी मेरे मैचिंग ही है, मानी ने शलवार कमीज पहना है, माज ने अवॉइड किए हैं, बिलाल तो माशाल्लाह माशाल्लाह तराना पढ़ने जा रहे हैं। रुक जाओ, गोल्फ कार्ट गुजरी, उससे पहले स्टॉप लगा, स्टॉप लगा लो उसको जा रहे। तो बस हम तैयार हैं। ये मैंने इयररिंग्स इतने पुराने हैं और मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहने हुए, आज मुझे टाइम मिला है बड़ी मुश्किल से। पीछे सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो वहाँ पे ये है कि मैं वीडियो लेडीज में नहीं बना सकती, पर्दे का कॉन्सेप्ट है ब्रदर सिस्टर। तो बस ऐसे ही आज का व्लॉग ऐसे ही ख़त्म होगा। अब पता नहीं मैं अभी ख़त्म करूँगी बाद में ख़त्म, मैं बाय करना भूल जाती हूँ। अगर मैं आप लोगों से ना मिली तो मेरी तरफ से बाई समझो, फिर अगला व्लॉग बनाएंगे। बट मेरी लिपस्टिक कितनी प्यारी लग रही है, ये लोरियल का शेड है और मैंने लिप लाइनर के साथ लगाया है, हाउ क्यूट। बिलाल कह रहा है तुम्हें बनाने ना आई, वो बेचारे गिलगित में बैठे हुए बच्चे जो हैं, कर दूं दो बच्चे जो पाकिस्तान के वो छोटे से बहन भाई हैं और उनको हाथ में पकड़ना आ गया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। अच्छा मुझे कोई टेंशन और स्ट्रेस और उनका व्लॉग देख दो रिलैक्स हो जाते हैं। इसका मतलब है जिंदगी में खुश रहने के लिए ना बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, व्लॉगिंग करो यार। वैसे अच्छा लग रहा, पता है मेकअप मेरा। कांपती थी पलके मायरी निंदिया लगाती, चलो भाई शाम हो रही है। तो आज इनको मेरे ख्याल में कम्युनिटी सेंटर शायद नहीं मिला, तो इन्होंने हॉलीडे इन में किया है। चले जी हम पहुंच गए, अपग्रेड है, होटल में कमरे थोड़ी है बेटा, इफ्तारी करनी है, इफ्तारी करने आए, इफ्तारी करो और छुट्टी करो।